जी हुसैन भाई। आप मतलब तीनों जो हैं मुसलमान हैं, मतलब गैर मुस्लिम हैं, एक्स सर मुस्लिम? एक्स मुस्लिम है सर, हमने इस्लाम को खैराबाद कह दिया सर। हुक्म। आप भी एक्स मुस्लिम है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपसे मतलब ये पूछना चाहता हूँ, आपका इस्लाम छोड़ने का जो मेन मकसद, आपको क्या इस्लाम बात? में एक भी अच्छी बात सही नहीं है। पिक वन जो अच्छी है, पिक वन, प्लीज प्लीज बात सुने। पिक मैं ये वन कह रहा हूँ थिंग इन इस्लाम जो अच्छी है, प्लीज पिक वन। कि क्रिएटर का एक मतलब कोई के मसला नहीं है, क्रिएटर के क्रिएटर एक हो अनेक हो डज नॉट मैटर, उसमें अच्छाई बुराई नहीं है। पिक वन गुड थिंग इन इस्लाम। कि आपको मतलब कि कोई फेथ मिलता है, आपको कोई मतलब कि भाई कोई कोई बिलीफ फायदा ही नहीं है ना, आपको? एक हो अनेक हो कोई मसला नहीं है। पिक नहीं वन नहीं नहीं गुड ऐसे थिंग इन नहीं इस्लाम। ना, साहिल इसको इंसान का ट्रांसलेट कोई, करके दो इसकी आसान जुबान में, मैं क्या कह रहा हूं इसको। मुझे समझ आ रही है सारी आप। इंसानियत के लिए इस्लाम में कोई एक अच्छी चीज बता दो, ये सवाल है, ये देखें, एक जिसे इंसान का, इंसानियत का भला हो। इंसान इंसानियत का एक मतलब कि पूरी रिस्पेक्ट, पूरी लाइफ कैसे गुजारनी है, एक उसका एक आयत दे दो मुकम्मल जो बताएगा तरीका है। इंसानियत ने रिस्पेक्टफुल लाइफ कैसे गुजारनी। एक कुरान की आयत जिसमें इंसानियत हो और पूरी इंसानियत के लिए कोई कमांड हो जिससे अच्छाई हो, कोई पूरी इंसानियत के, एक आयत दे दो। 6,666 आयतों में से एक दे दो। इंसान, हाँ मैं आपको बता, जी इंसानों से किस तरह बात करना है, सोशली लाइफ कैसे गुजारनी एक है, आयत कुरान की दे एक दो जो पूरी इंसानियत के लिए भलाई करती हो, प्लीज गिव मी वन। इस पूरे कुरान में ये इस बात का दर्श है कि एक दूसरे से, भाई अपने मैं, आप कह मुसलमान रहे हैं पूरे से। कुरान हाँ में, मैं कह रहा हूं एक आयत दे दो मैं सिर्फ, बता, वन। मैंने तो एक मांगी है, ज्यादा मांगी नहीं। कुरान की जो है मतलब कि आप, कुरान में पूरा है हजूर सल्लम की सीरत नबवी है, उसमें हजरत सारा यही कुरान है। में हजूर की सीरत है ही नहीं, हजूर की क्यों माँ नहीं का है? नाम नहीं, हजूर के बाप का क्यों नाम नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने पूछा है एक आयत दे दो जो आपके क्लेम को सही कर दे पूरी इंसानियत के लिए भलाई का काम। एक आयत मांग रहा हूँ, ज्यादा तो नहीं मांग रहा। नहीं, सही बात है। आप, अगर मैं अभी आपको सर्च करके बता दूंगा, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि मैं तो आपको सर आयत अगर बता आपको दूंगा। मैंगो का पता नहीं है, आप बाप यहाँ क्यों रे बने आए हैं? बाप यार एडम एक मिनट जी रुकना भाई, जी भाई, यार, जितने लोग देख रहे हैं जस्ट इमेजिन मेरे भाई लोग, एक मुसलमान को इंसानियत के भले के लिए कुरान की एक आयत पता नहीं होती, वो कहता है कि मुझे ढूंढना पड़ेगा। बाप रे बाप, सो सैड। नहीं, ऐसी, ये देखिए आप सूरत नबी में हैं, हजूर सल्लम ने बताया कि अपने भाइयों से कैसे बात नहीं, करनी है, सीरत गलत पे बाद गलत में की जाना, बात। अभी कुरान की बात हो रही है, क्यों तो इसका मतलब है क्यों पहले क्यों? बता दें कि इस्लाम कुरान में पूरा कोई आयत दीन नहीं है, है इस्लाम ऐसी। मैं उसके पूरा बाद आपसे सीरत दीन पे है। चलता हूं। सुनो, बात सुनो, बात तो सुनो यार, आप बात कर रहे हो मुझे बात करने दो। नहीं हुसैन इकबाल, मैंने कुरान की आयत बोली, अगर नहीं है तो बताएं, नहीं है, मैं नहीं, सीरत पे क्यों चलता हूं है, आपके पढ़ी साथ, आया? क्यों नहीं है? मैं आपको आयत तो तो दे सुना दें, देता हूँ अभी। दे दें। इकबाल साहब तो काफी लंबे जी टाइम से चले जी गए। सूरह आल इमरान आप चेक करें, आले इमरान। जी सर, आले इमरान की कौन सी आयत? 159, 159। 559। ए नबी, ये तो अल्लाह की रहमत है कि आप इनके हक में बहुत नरम हैं, अगर आप तंद ख्वा और सख्त दिल होते तो ये आपके इर्द गिर्द से मुंतशिर हो जाते। बस आप इनसे दरगुजर करें, इनके लिए मगफरत तलब करें, मामलात में इनसे मशवरा लेते रहें, फिर जब आप फैसला करें तो अब अल्लाह पर तवक्कल करें, यकीनन अल्लाह तवक्कल करने वालों को पसंद करता है। ये आयत मुसलमानों के लिए है, नॉन मुस्लिमों के लिए नहीं है। मैंने कहा है क्यों आयत नहीं आपने वो देनी है जो पूरी इंसानियत के लिए हो। है? हजूर सल्लम पूरी सिर्फ मुसलमानों के लिए बनकर नहीं आए रहमत, वो पूरी एग्जैक्टली इंसानियत के मुसलमानों के लिए लिए बनी। आए हैं, नॉन नहीं मुस्लिमों को तो नहीं मोहम्मद ने कत्ल किया है, लड़ाई की है। कहाँ कत्ल किया? कौन सा एक वाक्य आप मुझे बताएं, कहाँ कत्ल किया, हर वाक्य में, कैसे, हर कौन सा, वाक्य कौन में। सा वाक्य, कौन सा, ओके, क्या कौन सी मोहम्मद को गजवा? उसके अल्लाह ने नहीं कहा कि तुम्हें मैंने लड़ाई करने को कहा है जब तक ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ना कह लें? किस जगह पर, किस गजवा में? आप मुझे गजवा का वो देना, मुझे ऐसे कैसे पता चलेगा किस ये देखें, जगह पर सही था? मुस्लिम, सही मुस्लिम, फर्स्ट टाइम आपके पास आया किताबुल ईमान के अंदर, फर्स्ट टाइम आपके पास आया के कलमाए शहादत, फर्स्ट टाइम जो कलमाए शहादत आया था जी वो जी सही कलमा मुस्लिम के अंदर आया था। शहादत क्या एक है? मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और जी उसका जी जी नबी, जी तो जी 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 ये उसमें क्या देखिए गलत है? भाई, ये गवाही देने देखिए, वाले, अरे भाई ये सुनिए, चैप्टर का नाम पढ़िए क्या लिखा हुआ। द कमांड टू फाइट पीपल अंटिल दे से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। नाम क्या चैप्टर का?
ये मुझे आप ये बता सकती हैं किस सूरह में है और कौन सी आयत है? भाई ये आपका कलमा जो कि कुरान में है ही नहीं, पहली दफा हदीस में सही मुस्लिम की हदीस यहाँ पे आया किताबुल ईमान के अंदर कलमा पूरा का पूरा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। उससे पहले क्या लिखा हुआ है? द कमांड टू 5 पीपल अंटिल दे से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। सही मुस्लिम की हदीस, ये बड़ी वाली है छोटी वाली पढ़ता हूँ, 21 से 21 भी पढ़ते हैं। आई हैव बीन कमांडेड, मुझे हुक्म दिया गया है टू फाइट अगेंस्ट पीपल, कि मैं लड़ता रहूं लोगों से टिल दे टेस्टिफाई द फैक्ट दैट देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड बिलीव इन मी। जब तक वो ये ना कह दें ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, आई एम द मैसेंजर एंड इन ऑल दैट आई हैव ब्रॉट, और वो सब कुछ जिस पे जो के मैं लेके आया हूँ, एंड वेन दे डू सो, और जब वो कर देंगे, देयर ब्लड एंड रिचेस आर गारंटीड प्रोटेक्शन, तब उनका खून और उनका माल की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी है, वरना नहीं। तो भाई बच्चों वाली बात करते हो, भाई मैं बच्चों वाली आंसर बात दूं, करते हो, कहाँ पैदा हुए हो, क्या एज है तुम्हारी, मैं क्या आंसर एज है दूं। तुम्हारी? दो हाँ अब मुझे प्लीज, आपने बात कर ली, अब मेरे भी आंसर सुनिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कलमा का मतलब क्या होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं गवाही ठीक है, देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई नबी नहीं नहीं है ये और झूठ बोल रहे हैं, अल्लाह के मैं सिवा गवाही देता हूँ है कोई। ही नहीं, अशहादु अन जब तक नहीं कहते तो गवाही है ही नहीं। हाँ सुनो ना, दूसरे कलमे की, कलमे शहादत क्या तो है फिर ना? पूरा पढ़ो ना अरबी, जो पढ़ोगे उसकी ट्रांसलेशन बोलो ना, अरबी कुछ और पढ़ रहे हो, ट्रांसलेशन कुछ और दे रहे हो, ठीक है सुनो सुनो सुनो, सुनाओ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है, वादहु ला शरीक लहु, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। जी ठीक है, अब बढ़िया, आपको अभी इसका मतलब ट्रांसलेशन मैं देखो। गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वही एक खुदा है, और मतलब हजरत सलम अल्लाह के बंदे और ओके रसूल। नाउ, गवाही देने के लिए क्या जरूरी है इस्लामिक शरा में? क्योंकि आप जब किसी फेथ में एंटर भाई होते एक हैं, सेकंड, उसके हेलो हेलो, लुक एट माय क्वेश्चन, इस्लामिक शरा में गवाही देने के लिए क्या जरूरी है? गवाही देने के लिए अपने टेस्टिफाई अपने दिल से मानना और अपनी नहीं, जुबान से इस्लामिक इकरार। शरा में गवाही देने के लिए क्या जरूरी है? इस्लामिक शरा में विटनेस बनने के लिए क्या जरूरी है? विटनेस बनने के लिए, अब क्वेश्चन फिर रिपीट करें। इस्लामिक शरा में गवाही देने के लिए क्या चीज जरूरी है? क्या चीज, कोई चीज, किसी चीज की आपके लिए जरूरत नहीं है अगर आप दिल से कि इकरार करते आंखों हैं। से देखा हो, कानों से सुना हो, उसके बगैर आप गवाही नहीं दे सकते। नहीं, वो तो किसी लाइफ में अगर कोई मसला आता है तो उस वक्त आपको किसी चीज पर तो गवाही देनी अल्लाह को पड़ती। कभी आपने देखा, मैंने महसूस किया है, हर चीज में महसूस महसूस किया किया। लगो? ओके मुझे बता दीजिए, अल्लाह की महसूसियत आपको कैसे हुई? प्लीज आज साबित करते हैं कि अल्लाह आपको महसूस हो सकता है, मैं अभी इस्लाम लेने को तैयार हूं। अल्लाह अगर महसूस हो सकता है, अगर आप अपनी 5 सेंसरी नर्व से अल्लाह को महसूस कर सकते हैं, मैं इस्लाम लेने को, इस्लाम कबूल करने को तैयार हूं। सिक्स सेंस का नाम सुना आपने? ओके चलें, छठी सेंस आप मुझे शरा इस्लामिया में दिखा दें, जब मैं मतलब कि उठता हूँ, अपने आप को देखता हूँ, तो उसमें अल्लाह मुझे नजर नहीं समझ आएगा, आता। गॉड नहीं नहीं नजर मैं बात आएगा। सुनो, बात आपकी शरा सुनो। कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा अल्लाह के सिवा। आपने खुदा को साबित नहीं करना, अल्लाह को साबित करना। जी अब बात सुनो, मैं आंसर दे दूँ। जब मैं मतलब कि मैं एज ए मुस्लिम जो हूँ ना, मैं सिर्फ ये एज ए नहीं कि मुस्लिम मुझे नहीं, क्या, आपने गवाही देनी है जब आप मुस्लिम नहीं हैं। मैं मुस्लिम आंसर जब दे रहा नहीं हूँ, होते तो आप गवाही देते हैं। आंसर नाउ एज ए दे। नॉन मुस्लिम, आपने जो गवाही देनी है वो आपने साबित करनी है किसी भी हाँ तो मैं सिक्स आप, सेंसेस के थ्रू। प्लीज हाँ ठीक है, मैं अभी अगर मैं जैसे पैदा हुआ, मुझे अपने पेरेंट्स से मिला इस्लाम, लेकिन अगर मैं अगर हिंदुइज्म में देखूँ या जुदाइज्म में देखूँ या फिर क्रिश्चियनिटी में देखूँ, उसमें मुझे ऐसी चीज नहीं मिलती। ठीक है, जबकि कैसी चीज नहीं मेरे मिलती भाई, मतलब, आपने गवाही देनी है, गवाही कैसे दे हाँ रहे हैं उसकी जी, बात कर रहा हूं मैं। क्योंकि मैं जब अपने आप को देखता हूँ मुझे पता चलता है कि एक क्रिएटर है नहीं तो जो वो मुझे बनाया। जूदाइज्म का खुदा यहोवा ने बनाया आपको, आप मान लें, क्योंकि क्यों, मैंने आपको कहा था ला इलाहा कोई इल्लल्लाह को इंसान साबित मुझे करना है इंसान नहीं आपने। बना सकता? एक कभी सेकेंड इंसान एक ने किसी इंसान को बनाया? कभी आपने इंसान ने किसी इंसान को बनाया? आप सुने 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 आपने खुदा को साबित नहीं करना मेरे सामने, आपने अल्लाह को साबित करना है। आपने गवाही दी है अशहदु अन ला इलाहा, नहीं मैं गवाही देता हूं नहीं है कोई खुदा अल्लाह के सिवा, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको आपने जी साबित करना है 6 सेंसेस से अल्लाह को, वो साबित करेंगे आप मुझे 6 सेंसेस से। अगर आपको ये साबित होता है कि मैं उठाऊ तो मुझे किसी ना किसी ने बनाया ना, तो भाई वो किसी खुदा ने बनाया। अगर आप यहूदीज्म को देखेंगे तो यहोवा ने बनाया, अगर आप हिंदुइज्म में देखेंगे क्योंकि वो तो लोग हैं, वो इंसान कृष्णा ने है, वो बनाया। इंसान नहीं है, वो यहोवा इंसान नहीं है, इंसान है।
वो बंदा है, वो नहीं इंसान बना सकते। यहोवा इंसान नहीं है, यहोवा इंसान नहीं है, ब्रह्मा इंसान नहीं है, ब्रह्मा इंसान नहीं है। इंसान वो अगर वो एंटिटीज हैं, अगर उनको इंसान, अल्लाह भी एक एंटिटी है, अल्लाह इंसान नहीं है। वंस अगेन, ब्रह्मा इंसान नहीं है, यहोवा इंसान नहीं है। लेकिन मुझे अपने खुदा, मुझे क्योंकि वो अकेला है, अब जैसे इंडिया में ब्रह्मा है। शहादत कैसे दी है अल्लाह की, क्योंकि आपका कलमा कहता है अशहादु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं मैं गवाही देता हूं नहीं है कोई खुदा अल्लाह के सिवा। आपकी छह सेंसेस में से कोई सेंस ये जरूर बता सकती है कि कोई गॉड है, ये नहीं बता सकती कि अल्लाह गॉड है। तो आपने गवाही कैसे दी है, वो आपने साबित। हाँ, अब आप कह रहे हैं चलो आप ये तो मान गए कि गॉड है बड़ा। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि मुझे अल्लाह गॉड कैसे, एक से नहीं मुझे प्लीज ये देखें। अब आपने पहली बात, मैंने ये मान लिया कि गॉड है बड़ा, ठीक है, एक्स मुस्लिम वाली तो बात खत्म। अब दूसरी बात है कि मैंने रिलीजन में अल्लाह को क्यों चूज किया। मैं आर यू स्टूपिड, एक्स मुस्लिम होने का मतलब है कि हम एक एथियस हो गए। ऑफ कोर्स ये साहिल भाई कहते हैं मैं एथियस हूं, मैंने किसी और रिलीजन को नहीं माना। साहिल ने आज तक नहीं कहा कि वो एथियस है, तो वो कोई और रिलीजन, किसी रिलीजन को नहीं मानता ना। साहिल ने आज तक नहीं कहा कि वो एथियस्ट है। अच्छा, आप किस रिलीजन को मानते हैं? साहिल, पहले साहिल की बात करें फिर मेरी बात करना। साहिल ने आज तक कब कहा है कि वो एथियस्ट है, प्लीज मुझे एक रेफरेंस दें। साहिल आप एथियस्ट हैं क्या या एग्नोस्टिक? मैंने कभी नहीं कहा मैं। थैंक यू साहिल भाई, फिर आप ये बताएं, फिर अगर आप आप साहिल से डायरेक्ट बात कर रहे हैं अभी, नहीं आप मुझसे कर रहे हैं, क्या आपको पता है एग्नोस्टिक क्या होता है? एग्नोस्टिक आप मुझे बता दें, मुझे नहीं पता। तो फिर आपने साहिल पे ब्लेम क्यों लगाया कि वो एथियस्ट है? क्योंकि वो किस मेरे 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 माइंड में ये है कि अगर कोई किसी खुदा को नहीं मानता वो एथिस्ट है। अरे रिलीजन को नहीं मानना और खुदा को नहीं मानना ये दो अलग चीजें हैं मेरे भाई। यार साहिल कितने बेबीज हैं यार, इन लोगों के साथ मैं क्या बात करूं यार। क्यों तुम लोग इतने कंफ्यूज हो? मैं म्यूट कर रहा हूं, थोड़ी देर रिलैक्स कर रहा हूं, आप बात करें। इतना कंफ्यूज क्यों है हुसैन इकबाल भाई? नहीं नहीं मैं कंफ्यूज, अगर मैं कंफ्यूज होता तो मैं यहाँ आपसे बात कर रहा था। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप मतलब के आपने इस्लाम को छोड़ा है, आप किसी रिलीजन को नहीं मान रहे, तो आपकी क्या मेंटेलिटी, आपका क्या लॉजिकल है, आप क्या फैक्ट्स पर जी रहे हैं, क्या आपकी लाइफ चल रही है, किस चीज पर? मुझे नहीं पता खुदा है नहीं है। अच्छा ये है मेरी आइडियोलॉजी, मुझे नहीं पता और मुझे मुझे जानने की कोशिश भी नहीं करना है। मुझे मेरी आइडियोलॉजी ये है या मेरा बिलीफ ये है या मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि खुदा को कौन खुदा है जानने से ज्यादा बेहतर ये है कि आप अपनी जिंदगी में एक अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं जी, आप अपनी सोसाइटी को बेहतर कैसे कर सकते हैं जी। बिल्कुल सही, लेकिन इस्लाम भी तो, इस्लाम भी मतलब के एज ए मैं अपने आप को खुद कहूं को, इस्लाम भी मुझे एक बेहतर इंसान बना रहा है। नहीं बनाता है ना आपको, इसीलिए कहा था ना कि कुरान में से एक अच्छी आयत दे दो, आपने नहीं दी। अब फिर से आगे वही टॉपिक पे आप वापस चलते हैं। शहादत आपने कैसे दे दी अल्लाह की, मुझे उसका आंसर अभी तक नहीं मिला, आपको साहिल का आंसर मिल गया। शहादत कैसे दे दी अल्लाह की? ये देखिए मैंने अभी आपके सामने ये बात तो क्लियर कर दी ना कि मुझे खुदा का कैसे आता है, कहा कैसे मुझे याद दिया डाले। तो वो खुदा तो वो खुदा ब्रह्मा भी हो सकता है, वो खुदा हाँ हाँ वही बता रहा हूं। अब मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूं कि मैंने इस्लाम की खुदा को क्यों चूज किया। वो खुदा यशुआ भी हो सकता है, ब्रह्मा भी हो सकता है, यहोवा भी हो सकता है। अब आपने ला इलाहा को साबित करना जी, ठीक। अब देखें मैंने, अब जैसे मतलब कि मुझे इस्लाम के खुदा मतलब अल्लाह पर इसलिए मुझे ईमान है कि उसने कोई भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। ईमान की बात नहीं हो रही, ईमान की बात नहीं हो रही, बात हो रही आपने शहादत कैसे दी है वो बात हो रही, उसको उसको साबित करें। हाँ मैं अल्लाह को क्यों मानूंगा, मैं ये बता रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह की गवाही कैसे दी है उसको साबित करें। यार गवाही देने का मतलब ये है कि मैं इकरार करता हूँ, मैं मानता हूँ कि अल्लाह ही है। गवाही है, शहादा है, अशहादुन अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ ये नहीं है। आई विटनेस मैं इस बात की, आप विटनेस, तो विटनेस वो होता है कोर्ट में, कोर्ट ऑफ लॉ में कोई भी बंदा विटनेस, इंग्लिश या उर्दू कमीने इतना नहीं पता विटनेस का, उर्दू मतलब शहादत है, अरबी मतलब शहादा है,
ऑन मैन. ओके, गवाही देने के लिए छह सेंसेस का होना जरूरी है, छह में से किसी एक या दो सेंसेस से गवाही दी जा सकती है. यहाँ पे आमन्ना नहीं है, यहाँ पे आमन्ना नहीं है, यहाँ पे आमन्ना का क्या मतलब है? ईमान लाना, आमन्ना का ईमान लाना. अना आमन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है, यहाँ पे है अशहादु अन ला इलाहा. गवाही देने के लिए छह सेंसेस में से किसी एक सेंसेस से उसका विटनेस होना जरूरी है. अल्लाह का विटनेस कैसे कर रहे हैं आप, वो बताएं. Because मैं उसको नेचर में फील करता हूँ अल्लाह को. नहीं, नेचर में आप खुदा को फील करते हैं, अल्लाह को नहीं. मुझे शहादत साबित करेगी अल्लाह और खुदा एक ही है. इस्लाम में अल्लाह और खुदा एक ही है. ला इलाहा नहीं है, ला इलाहा नहीं है, कोई इलाह नहीं है, कोई खुदा. एक खुदा और अल्लाह एक ही है इस्लाम में. एक मिनट यार एडम साहब, सिर्फ एक मिनट यार. फीलिंग के बेसिस पे आप कभी कोर्ट ऑफ लॉ में गवाही दे सकते हो? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये इसने खून किया है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसने बलात्कार किया है, मुझे ऐसा फील हो रहा है. मैं पर्सनली अपनी जजमेंट कर रहा हूँ, पर्सनली दिल से सोच रहा हूँ कि मैं किस चीज को मानना चाहता हूँ. भाई हुसैन इकबाल, विटनेस जो है वो फीलिंग पे नहीं होती है. नहीं, नहीं, ये देखें, यू कैन नॉट बी विटनेस विदाउट यू नो यू हैव दैट एब्सोल्यूटनेस. मैं विटनेस तो अपने आप को खुद ही दे रहा हूँ ना, खुद को गवाही दे रहा हूँ ना. ऐसा कहो कि मैं खुद को चूतिया बना रहा हूं कि अल्लाह खुदा है. विटनेस नहीं है ये, सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, बट ऐसा कहो. अब आप बाकी को गवाही या उसको निकाल के आप कह रहे कि मैं खुद को गवाही दे रहा हूं, तो भाई ये कहो कि मैं खुद को पागल बना रहा हूं, मैं खुद को बेवकूफ बना रहा हूं कि खुदा. आपको ये तो मैंने आपको ये तो प्रूव कर दिया कि कोई ना कोई खुदा है बड़ा भाई, वो तो हम मानते हैं. अल्लाह ही है. बात ये है कि अल्लाह को साबित करना है. विटनेस अल्लाह की साबित कैसे होती है? देखो, खुदा की विटनेस साबित होती है, अल्लाह की साबित नहीं होती. अल्लाह साबित करना है. आपने ला इलाहा ये आपने साबित कर दिया, इल्लल्लाह वो साबित करें. ऑफ कोर्स ये देखिए, जब मैंने घोड़ को साबित कर दिया है तो अभी आप कह रहे हैं ना कि ब्रह्मा है, ब्रह्मा कौन है? फिर ब्रह्मा को मान लो ला इलाहा इल्ला ब्रह्मा, या यशुआ को मान लो ला इलाहा इल्ला यशुआ. क्या मसला है? क्यों 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 मुझे अल्लाह सबसे बेहतर लगता है इन सब खुदाओं से. बेहतर की बात है, इनके तो शेर हैं, इनके तो पार्टनर्स हैं, इनके तो पार्टनर्स हैं इनको. हुसैन जी, हुसैन अल्लाह को साबित करना है गवाही में. बिकॉज ये देखें, आप कह रहे हैं ना कि ब्रह्मा है, कि उसके पार्टनर्स हैं, मुझे वो खुदा से वो नहीं लगा. वो खुदा हो नहीं सकता जिसके पार्टनर. ब्रह्मा का कोई पार्टनर नहीं है. आपको ये शिव वगैरह और जो भी उनके ब्रह्मा का पार्टनर नहीं है, झूठ बोल रहे हैं आप. वो उनके पार्टनर्स हैं, वो सारे गोड हैं, उनको भी गोड मानते हैं, उनकी भी पूजा करते हैं. इतनी ब्रह्मा की पूजा नहीं करते जितने लोग शिव की पूजा करते हैं, वो जितने हनुमान की पूजा करते हैं. हेलो हेलो हुसैन इकबाल, जिस चीज का पता ना उसको पार्टनर बना रहे हैं ना. हुसैन, जिस चीज का पता ना उसके बारे में बोलना नहीं चाहिए सुलन. लेकिन अभी तो आपको अल्लाह का भी नहीं पता. मुझे बताइए, मैं आपको आसान कर देता हूँ. यशुआ जो है, यहोवा जो है, यहोवा खुदा क्यों नहीं है? बोले बिकॉज उसके जो टीच, उनके पास जितने भी प्रॉफिट्स आए अल्लाह की तरफ से, ठीक है, अल्लाह की तरफ से प्रॉफिट कैसे आ गया वो साबित करें. नहीं नहीं, उनकी कौन पे, अगर अगर उनके खुदा ने उन पर अगर कोई, किसकी कौम पे आए? जूस पर. जू कौन है? मतलब कि जो उनके जो जो उनको खुदा मानते हैं, जूस. जू कौन है? जू कौन है? यहूदी है. और क्या यहूदी कौन है? क्या अहले किताब है? ओके, कौन है? कौन सी कौम है? कौन सी नस्ल है? कहां से पैदा हो गए? कौन है? जूस जुदाइज्म से है. जूस है.
ओके, उन्होंने अपना वो जुदाइज्म कहां से आया? जुदा से आया ना, जुदा किसका यस, बेटा यस, था? जी जी जुदा एक इंसान था, जुदा एक इंसान था, किसका बेटा था? वो हजरत यूसुफ का भाई था। ओके, तो यूसुफ के भाई को जुदा कहा गया जी, हमारे इस्लाम में यही कहा जाता है। ओके, जुदा इस्लाम में तो नहीं कहा जाता, गोली मार इस्लाम को, चलो इस्लाम में ठीक है। तो जुदा जुदा जो था वो यूसुफ का भाई था, राइट जी। ओके, यूसुफ से पहले जो लोग थे वो कौन थे? उससे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। ओके, और इनके फादर थे, अबे मूसा था ना? जी जी, मूसा की कौम कौन थी? जूस। कैसे जूस? तुमने कहा जूस निकला जूदा से, और जूदा यूसुफ का भाई था, तो मूसा की कौम जू कैसे होगी? क्योंकि मोसेस, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, उन्होंने तो अल्लाह की वो दी थी, लेकिन जूदा दोबारा से बोलता हूँ, हेलो हेलो, अगर जूदा की कौम को जू कहा गया है तो मूसा की कौम कौन है? ये देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हाँ। जो लाइन आ रही है, मतलब उन वो हजरत इब्राहिम आए, फिर उनकी कौम में से हजरत इब्राहिम, अभी हम मूसा की बात कर रहे हैं, इब्राहिम मूसा से भी पहले है, अभी मूसा तक तो पहुंच जाए। नहीं नहीं, किसने कहा है मूसा से पहले है? इब्राहिम अगर मूसा से पहले है, लेकिन दीन इब्राहिमी में मूसा आए, तो मूसा की हुसैन आर यू स्टूपिड? इब्राहिम जो मूसा के बाद आया था। अच्छा ठीक है, अगर पहले आया था, लेकिन उन्होंने जो, अगर नहीं, अगर नहीं, अगर नहीं, झूठ नहीं बोले मेरे साथ, इब्राहिम मूसा से पहले आया था या मूसा के बाद? बाद में आए थे। ओके, तो पहले मूसा तक पहुंचो ना। अच्छा ठीक है, अगर मूसा ने तोरा जो उन्होंने किताब ली, ठीक है, उसके बाद जो हजरत यूसुफ के भाई जुदा थे। हेलो हेलो, हाँ हाँ, जुदा थे, जुदा की बात कर रहा हूँ। मुझे अभी बताइए कि अभी जो आपने बात की है, उस बात के मुताबिक अगर जुदाइज्म निकला है जुदा से, तो मूसा की कौम का नाम क्या था? वो भी जूज ही हैं वो, क्योंकि उस वक्त बुक जो थी तोरा थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की, वही चल रही थी। जब जूदा पैदा ही नहीं हुआ, जब जूदा पैदा ही नहीं हुआ, तो उसकी तो मूसा की कौम का नाम जू कैसे हो सकता है, जब जूदा तो पैदा ही नहीं हुआ अभी। जूदा हजरत यूसुफ के भाई थे, वो पैदा हुए, उन्हीं की कौम सी। ओके, यूसुफ का बाप कौन था? हजरत याकूब। ओके, याकूब का बाप कौन था? हजरत इब्राहिम। नहीं, आइज़क, इसहाक। आइज़क उनके फिर बाप हजरत इब्राहिम, मतलब कि ये लिनियज है ना। आइज़क का बाप इब्राहिम। मूसा कहाँ है? मूसा वो दूसरी लाइन से हैं। अच्छा, मूसा दूसरी लाइन से, तो फिर मूसा की कौम को जूदा क्यों कहा गया? बिकॉज, क्योंकि वो तोरा, तोरा उन्हीं की किताब थी। और जूस भी तोरा, अगर देखो बात, एक बेटा है आइज़क का, जिसकी नस्ल से निकला जेकब, ठीक है जी। दूसरा बेटा है जिसकी नस्ल से निकला ईसु, ठीक ठीक है, फिर एक निकला लीवा, ठीक है, मूसा निकला लीवा के अंदर से। मुझे बताइए कि ये दोनों नस्लें इकट्ठी कैसे हुई, कब हुई, किधर हुई, किस तरह हुई, वो बताएं। ये देखें, हजरत मूसा को अल्लाह ताला ने किताब दी तोरा, ठीक है, मूसा की जो मूसा सेपरेट हो गया। मुझे बताएं कि हाँ, ये देख, अब ये जरूरी नहीं है, अब जैसे हजरत की कौम में अरब है, लेकिन हम जो बाकी दुनिया में रहते हैं, हेलो वापस है, वापस है, आप किसने कहा वहां पे चले जाए? मूसा और जूडा को इकट्ठा करके दिखाएं मुझे। मूसा ने जब उन्होंने किताब दी, तो जूडा उन्हीं की किताब को मानते थे, क्योंकि उस वक्त मेन किताब किसने कहा? जो जूडा था, जो जूडा था, जूडा था, जो के जेकब का बेटा था, इसकी और मूसा की मुलाकात कब हुई? उस वक्त जो मेन बुक थी अल्लाह की तरफ से, वो यही थी तोरा। ओके, मेन बुक तोरा कैसे पहुंचेगी जेकब तक? जैसे अभी एक कुरान हिंदुओं के पास पहुंच जाती है, वो तो है ही नहीं उस जगह पे। नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना, अभी जैसे कुरान हिंदू और वहां पे, हेलो हेलो, हिंदुओं के पास कुरान नहीं पहुंचा ना, कभी पहुंचा है, और उन्हें चाहिए भी नहीं। अभी मुझे बताइए कि जूदा एग्जांपल दे रहा हूं, एक निकला है मूसा, एक डिफरेंट लड़ी में से निकला है, ये दोनों लड़ियां मिली कहां से?
ये देखिए, ये दोनों लड़ियां मिलती नहीं है, उन्होंने उनकी जो किताब थी उनको फॉलो करना पे मिली, कहां पे मिली, कहां पे मिली, उन्होंने उसकी बुक को फॉलो करना स्टार्ट किया। कहां मिली, कहां मिली, कहां मिली, कहां मिली, कहां मिली, कहां मिली। जरूरी नहीं है कि ये मतलब कि ब्लड रिलेशनशिप हो या लिनिएज में हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है इब्राहिम जो था उसके पास तौरात नहीं आई थी ना? नहीं। ओके, किताब इब्राहिम क्या है? इब्राहिम को अल्लाह ताला ने सहीफे दिया, कोई किताब नहीं। किधर है, क्या है, क्या सहीफा दिया? तो वो अब मतलब कि गुम हो चुके हैं, वो लोगों को आगे मिले नहीं। ओके, सहीफा दिया गया था? ऑफ कोर्स, यही मोनोथिज्म का कि वो खुदा को माने, यही इस तरह की जैसे वही होती है, वो सहीफे मतलब वही की एक शक्ल होती है। सर मैंने ये नहीं पूछा, मेरा सवाल ये है कि मूसा की कौम इब्राहिम को जो सहीफा मिला था उसमें क्या लिखा था, पता है आपको? वो जो सहीफे थे वो अपनी असल शक्ल में नहीं रहे, वो बहुत कम थे कि वो... भाई कोई भी सहीफा अपनी शक्ल में नहीं रहा, कोई एक सहीफा तो दे दो यार। मैंने कहा है ना, कोई भी सहीफा अपनी शक्ल में नहीं रहा, कोई एक तो दे दो, कोई एक तो दे दो। ऑफ कोर्स, जब अब हमें जो किताब मिली है हम तो कुरान को फॉलो करेंगे, लेकिन जो वो सहीफे थे वो अपनी असल शक्ल में नहीं रहे। इसका मतलब है कि ये बोंगी है, एक बोंगी है, जूदा एक डिफरेंट ट्राइब है, मूसा की एक डिफरेंट ट्राइब है, मूसा के ट्राइब को अगर मिल भी गया यहूदीज्म, जो जूदा बात सुने ना, जो जूदा था वो था तो हजरत इब्राहिम की ही लिनियज थे, वो मानते तो एक खुदा। अरे भाई नस्लें बदल गई भाई, एक बंदा कहीं है, एक बंदा जो है अफगानिस्तान में, एक बंदा इंडिया में है, इन दोनों को तुम लोगों ने जोड़ा कैसे, पहले ये समझाओ मुझे। क्योंकि यार समझो, एक एक इंसान है जिसने किताब दी, ठीक है, और एक इंसान है जो उसी किताब को ही माने जा रहा है आगे, उसी किताब की जो मतलब की थ्योरी है उसी को ही माने जा रहा है, उसी आइडियोलॉजी पे चल रहा है। किताब तो आई नहीं, आपने कहा मूसा से पहले किताब नहीं आई, तोरा तो मूसा को आई, तोरा मूसा को आई ना, तो मूसा से पहले तो किसी को किताब नहीं आई? नहीं। ओके, तो फिर मुझे बताओ कि ये दोनों नस्लें मिलाई कैसे आपने? यार उन्होंने मतलब अगर आप देखें उनको वो किताब सही लगी, जूदा की नस्ल को वो किताब सही लगी, उन्होंने उनको जूदा की नस्ल को किताब। अच्छा ओके, सुने इस बात को दोबारा सुने, यानी कि किताब नासिल की गई लीवाई की नस्ल को, लीवाई की नस्ल में से मूसा को, और एक और दूसरी नस्ल है वो जूदा की नस्ल है, और लीवाई की नस्ल मूसा की कौम को जूदा बना दिया, क्यों यार? मुझे ये नहीं पता कैसे, कैसे मैं बताता हूं, मैं बताता हूं ये बात कैसे, कि एक हिंदू है और एक पाकिस्तानी मुस्लिम है, और अब आप दोनों बंदों को इकट्ठे कह दो कि ये दोनों के दोनों मुस्लिम है, कितनी स्टूपिड बात होगी, क्योंकि वो मुस्लिम नहीं थे, वो अपने उन्होंने उनकी बुक में अमेंडमेंट्स की, अपनी तरफ से चेंजेस की, तोरा में जो भी अमेंडमेंट की, एक नस्ल चल रही है मूसा की, एक नस्ल चल रही है जूदा की, एक नस्ल है लीवाई में से, एक नस्ल है जूडा में से, दो डिफरेंट नस्लें चल रही हैं, यानी कि आप कह लो एक है, यार यार गाइस कोई मुझे खानदानी नाम दो यार, एक दो वो जो तलवारबाजी करते थे उनका खानदानी नाम क्या है यार, साहिल भाई हेल्प मी आउट यार, महाभारत का बोल रहे हो क्या? नहीं, जो जब इस्लामिक अटैक्स हुए थे तो जो तलवारबाजी करते थे, जिन्होंने बड़ी हेल्प की थी मुसलमानों को यहाँ से हटाने के लिए, बहुत बड़े राजपूत, राजपूत एक नस्ल है राजपूताना, ठीक है, और साहिल भाई दूसरी एक और नस्ल दें जरा मुझे, राजपूताना के साथ दूसरी एक और नस्ल दें, जिन्होंने वो झांसी की रानी भी जिसमें से है, वो कौन से हैं? मराठा एक ले लो ना। ओके, एक नस्ल है मराठास और एक नस्ल है राजपूताना, ठीक है, तो इस तरह ये दो नस्लें चल रही हैं, एक है लिविटिकल ट्राइब को आप कह दो राजपूताना, एक है जुडियक ट्राइब, उनको आप कह लो मराठास, ठीक है। अब ये दो नस्लें हैं डिफरेंट, अब अगर मैं मराठास को राजपूताना कहना शुरू कर दूं तो मैं स्टूपिड होऊंगा कि नहीं? नहीं, अच्छा ये वो अगर कौमें एक थी लेकिन उन्होंने अपना रिलीजन भी चेंज हो सकता है, साबित किया कौमें दो थी, मुस्लिम भी हो सकते हैं, हिंदू भी हो सकते हैं, यहाँ पे आप जूडा जू को, जू जो के जूडा है, उनको आप मूसा के साथ कैसे मिला सकते हैं? जूडा जू जू जो है वो लफ्ज निकला है जूडा से, सो इट इज अ जुडेइक ट्राइब, ये जुडेइक ट्राइब है,
मूसा या लिविटिकल ट्राइब से, वो लीवाय है, इन दोनों को आपने जू कैसे कह दिया? आप राजपूतानास को मराठास को इकट्ठे मिला के किसी एक को पिक करके दोनों को राजपूताना कैसे कह सकते हो, या दोनों को मराठास कैसे कह सकते हो? नहीं नहीं, वो है ज्यूज, अब ये तो नहीं है कि वो किताब ट्राइब है ना, आपने बोला ना ज्यू इज अ ट्राइब, कम्स फ्रॉम जूडा, जूडा की नस्ल। अगर ज्यू एक ट्राइब है जो कि जूडा की नस्ल है, तो भाई आप राजपूताना को जूडा कैसे कह सकते हैं? यार ये देख मेरी बात सुने, ठीक है वो ट्राइब है, अब ये दोनों ट्राइब मिली नहीं है, नहीं मिली, एक आइडियोलॉजी दूसरी ट्राइब में आ जाए, सेपरेट आइडियोलॉजी इज डिफरेंट, आइडियोलॉजी जो भी हो, आप दोनों ट्राइब को सेम ट्राइब का नाम कैसे दे सकते हैं? दैट्स माय क्वेश्चन। अच्छा क्या ज्यूज हजरत मोसेस को नहीं मानते? ज्यूज हजरत मोसेस को मान लेते हैं, मगर वो जूडा मानते हैं, ट्राइब को आप जूडा क्यों कह रहे हैं? एक सेकंड, लिविटिकल ट्राइब मूसा की ट्राइब है, आप मुझे ये बताएं कि ज्यूज क्या मोसेस की किताब और मोसेस को नहीं मानते, वो नहीं कहते तो रात ही बोलो ना, उनको ज्यू क्यों बोल रहे हो? तो ज्यूज ही तो रात को करते हैं फॉलो, आपको नहीं पता तो रात को कौन फॉलो करता है? वन सेकंड, एक सेकंड, डोंट बी स्टूपिड, ज्यू आपने बोला वो जूडा की ट्राइब की लीनियज के लोग हैं, करेक्ट आपने बोला था, मोसेस को भी मानते हैं? नहीं मानते भाई, मोसेस ज्यू मोसेस को मानते हैं, दैट इज गुड, कोई मसला नहीं है, तो उसे मोज़ेइक को ना ज्यू क्यों बोलते हो? क्योंकि वो जुडाइज्म, वो अपने वो कहते हैं कि हम जुडाइज्म कोई चीज ही नहीं है ना, जू तो ट्राइब है, तुमने अभी बोला। हाँ हाँ, जूडा की कौन सी है ना, तो लेकिन उन्होंने माना तो मोसेस को भी मानते हैं, उसकी किताब को भी मानते हैं, और फॉलो भी उसकी किताब को करते हैं। यार एक सेकंड, चुप, बोलने का नहीं, बोलने का नहीं, बोलने का नहीं एडम, ये एक्चुअली तुम्हारा एतराज नहीं समझ पा रहा है हुसैन। देखो तुम क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पे कर रहे हो, यहाँ पे सवाल वो है ट्राइब की बुनियाद पे। यार मेरी बात कंप्लीट भी नहीं होने दे रहे तुम हुसैन भाई जी, आपसे ये सवाल किया जा रहा है कि आप क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पे कर रहे हैं, ट्राइब की बुनियाद पे या फेथ या आइडियोलॉजी या रिलीजन की बुनियाद पे? अगर आप रिलीजन की बुनियाद पे कर रहे हैं तो आप उसको ट्राइब के नाम से नहीं पुकारेंगे, बल्कि जो कॉमन उसमें चीज है, जैसे कि एडम ने कहा कि मोजाइक बोलो या तौराती बोलो, तो समझ में आता है अगर आप रिलीजन के बेसिस पे बोल रहे हैं। अगर ट्राइब के बेसिस पे बोल रहे हैं तो बोल दो ये ट्राइब के बेसिस पे है, फिर दूसरे ट्राइब को उसमें मत मिलाओ, जैसे कि एडम साहब ने बोला कि आप राजपूतों को मराठा नहीं कह सकते, मराठा को राजपूत नहीं कह सकते। आई होप कि अभी समझ में आएगा कि एडम, मैंने तो ज्यूज को मोज़ाइक कहा ही नहीं है कि वो मोसेस के, वो उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, उनकी फेथ को फॉलो कर रहे हैं, जो मोसेस को फेथ से बुलाओ ना वो भाई, भाई ये कब से उसी बात में, मैंने मैंने सिर्फ एक की बात की है और वो ये है, इब्राहिम के बच्चे हैं और अभी भी नहीं समझा इसको, ठीक है, लेफ्ट साइड पे आपको लीवाय और उसका बेटा आगे से मूसा, इस साइड पे आपको जूडा जू, ये दो डिफरेंट नस्लें चल रही हैं। मूसा के पास एक किताब आई जिसको आप तौरात बोलते हो, ठीक है, अब मुझे बताओ कि मूसा की कौम को आपने जूडा क्यों कह दिया, जबकि जूडा एक अलग ट्राइब है? या आपके स्क्रीन पे, हाँ हाँ, ट्राइब, अब ट्राइब वो जूडा से ही है, ज्यूज, ओके, जूडा से जू हो गए, तो मूसा की कौम को जूडा क्यों कहा है आप लोगों ने? किसने कहा? आप लोग मूसा की कौम को जू कहते हो ना, क्यों? नहीं, हम कहते हैं कि वो प्रोफेट मानते हैं, उनको अपना प्रोफेट मानते हैं, मानते हैं, जू कौन है जो मूसा को मानते हैं, राइट, वो जू जी मानते हैं, जू मूसा को मानते हैं ना, प्रोफेट मानते हैं ना, मूसा की तौरात पे यकीन करते हैं ना, जी जी, मगर जू तो कम आया जूडा से, तो वो तो जूडा की ड्राइव है, उसको आप यार आपने जूडा की ट्राइब के लोगों को मोज़ेइक ट्राइब लिविटिकस में ऐड कैसे कर दिया, ये समझाएं आप मुझे, क्योंकि उन्होंने उसकी बुक को, उनकी बुक को फॉलो किया। ओके, तो अगर मूसा बुक देगा तो उस बुक का नाम तो रैद है, और उस बुक के मानने वालों को लिवाई कहना चाहिए ना, जूडा तो नहीं कहना चाहिए ना यार, कहा कुछ भी जाए वो फॉलो कर रहे हैं उसको, क्यों कहा जाए, क्या मतलब है, मैं किसी को, मैं यार आप नमन की बेसिस पे बच्ची का नाम नहीं है तो वो आप, मैं मराठाओं को राजपूत कह सकता हूँ नाम की बेसिस पे, साहिल यार क्या बंदा यार, इसको समझ क्यों नहीं आ रही थी, अरे गया भाई इसका दिमागी अपंग लगा हुआ है, इसको भगाओ,
ये जबरदस्ती का एक्सटेंड कर रहा है, बात को समझ ही नहीं रहा है, तो 100 चीज भी बोले तो उसको समझ में ही नहीं आएगा यार। आप अच्छा साहिल भाई आप सुनो, आप एक मिनट मेरी बात सुनो। अब जो जूडा से आया ना ज्यूस, लेकिन फॉलो मूसा की किताब करो तो उसका मतलब मूसा से तो तौरात आई है, तो जूडा से जू आए हैं, मूसा से तौरात आई है, तो मूसा की तौराती लोगों को जूडा क्यों बनाया आपने? क्योंकि वो उनकी नस्ल तो उन्हीं की थी, पैदा तो उन्हीं से। उल्लू के पट्टे मूसा की नस्ल ज्यादा चल रही है, जूडा की नस्ल ज्यादा चल रही है। अलग अलग नस्ल है ना भाई हुसैन। हाँ हाँ, लेकिन फेथ तो उन्हीं का फॉलो किया है ना, मूसा का ही फॉलो। फेथ नाम पे होना चाहिए ना भाई हुसैन, यही तो मैं भी बोल बता रहा हूँ कि एक राजपूत ट्राइब चल रही है, बात सुने, एक राजपूत है वो जो मराठा, वो मराठा है, मैं राजपूताना नहीं कह सकता। सुनिए सुनिए सुनिए, लेकिन दोनों को एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ, सुन लो हुसैन, अभी मामला शायद तुमको समझ में आ जाए। देखो राज, अगर ट्राइब की बुनियाद पे जाओगे या लीनेज की बुनियाद पे जाओगे तो राजपूतों को राजपूताना कहोगे, मराठा को मराठा कहोगे, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि राजपूत और मराठा ये दोनों सनातनी है। अब तुम वहां पे रिलीजियस वे में क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो दोनों आ सकते हैं, लेकिन अगर ट्राइबल वे में कर रहे हो तो आप राजपूताना को मराठा नहीं कह सकते, मराठा को राजपूत। मैं जब बात इस्लाम फेथ की हो रही तो मैं फेथ की बुनियाद पर उन्हें कर रहा हूँ, जैसे राजपूत मुस्लिम भी हो सकते हैं, इंडियंस भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी कौम तो एक ही है तो एक ही कौम से है। हुसैन यहाँ पे ज्यूस जो बात हो रही है और जितना मुझे अभी तक समझ में आया डिस्कशन, ये एक ट्राइब के बेसिस पे नाम है, ना कि फेथ के बेसिस पे। जी ट्राइब के बेसिस पर नाम है, लेकिन फेथ उनका वो वाला है, ट्राइब का नाम तो कुछ भी हो सकता है, नाम तो वो अपनी जान से निकल गया। यार भगाओ यार, जा यार, जा यार, बाय 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 बाय, टाटा बाय बाय, गेट लॉस्ट।